रिश्ते में मेरा पागल का रोल, आज देखिए एक और मेरे बड़े भाई पागल का रोल किए हैं। तो अच्छा लगता है कि चलिए धीरे धीरे चीज़ें ग्रोथ हो रही है, कि आपको ही देखकर अगर कोई कुछ कर रहा है तो अच्छी बात है, हम सबको देख के एक दूसरे को फॉलो करना चाहिए। अच्छा कल खेसारी लाल लाइव आए थे इंस्टाग्राम पे, उस लाइव को देखते हुए हमको ये लगा कि जो भी वो लाइव में बोल रहे थे खेसारी लाल, सब पवन सिंह को टारगेट करके अपनी बातें रख रहे थे। अब सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन होना चाहिए, माई सेल्फ नीरज सिंह राठौड़, और हम उस लाइव वीडियो के बारे में फैक्ट के अनुसार बातचीत करेंगे। और हम सबसे पहले बता दें कि ना हम पवन सिंह के फ़ैन हैं और ना हम खेसारी लाल के फ़ैन हैं, और ना ही उन दोनों के आपस में फैंस को लड़वाना चाहते हैं। तो अगर जो लोग लड़ रहे हैं पवन सिंह फैंस और खेसारी लाल फैंस करके आपस में, तो उन लोगों को हम फैक्ट के अनुसार पूरा डिटेल में हम बताएंगे इस वीडियो में कि क्यों लड़ रहे हो। तो सबसे पहले उस लाइव वीडियो के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि पवन सिंह का एक ठो पोस्टर, फिल्म का पोस्टर लॉन्च हुआ जिसमें फटे पुराने कपड़ा पहन रखे हैं पवन सिंह। लेकिन ये जो पोस्टर लॉन्च हुआ है पवन सिंह के ऑफिशियल पेज के द्वारा नहीं हुआ, उसके साथ उनके साथ जो काम करते हैं म्यूजिक डायरेक्टर हो गए मैनेजर, उन्हीं के पेज के ग्रुप के द्वारा लॉन्च किया गया है। फिल्म का नाम है जान तेरी कसम। तो उसी को देखते हुए खेसारी लाल लाइव आए हैं, उस पोस्टर के बारे में बातचीत करते हैं कि मैं भी एक ऐसा भिखारी वाला फिल्म बनाया हूँ, तो उसी को देख के हमारे बड़े भाई हमारे जैसे फिल्म बना रहे हैं, तो इससे हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री मतलब ग्रोथ करेगी, ऐसा कुछ बोल लेते हैं। रिश्ते में मेरा पागल का रोल, आज देखिए एक और मेरे बड़े भाई पागल का रोल किए हैं। तो अच्छा लगता है कि चलिए धीरे धीरे चीज़ें ग्रोथ हो रही है, कि आपको ही देखकर अगर कोई कुछ कर रहा है तो अच्छी बात है, हम सबको देख के एक दूसरे को फॉलो करना चाहिए। इसके बोलने के बाद, खेसारी लाल के बोलने के बाद, इसमें आप दो तरीकों से सोच सकते हैं उस बात को। सबसे पहला तरीका मतलब कि पवन खेसारी लाल जो बोल रहे हैं कि पवन सिंह के आने वाले फिल्म के मतलब प्रचार कर रहे हैं, और दूसरी बात आप ध्यान से सुनिएगा तो खेसारी लाल बोल रहे हैं कि हमसे देख के हमारे बड़े भाई पवन सिंह, कि आपको ही देखकर अगर कोई कुछ कर रहा है तो अच्छी बात है, हम सबको देख के एक दूसरे को फॉलो करना चाहिए। बड़े भाई पवन सिंह फिल्म बना रहे हैं तो इसे हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री को मतलब ग्रोथ होगा। तो आप ध्यान से सुन सकते हैं मतलब हमसे देख के, खेसारी लाल को देखते पवन सिंह मतलब ग्रोथ, दो तरह के सोच सकते हैं। अब आपके आप निर्भर करता कि आप कैसे सोच सकते हैं, पहला कि पवन सिंह के फिल्म को प्रचार कर रहे हैं, दूसरा कि पवन सिंह को नीचा दिखा रहे हैं, और दूसरी बात कि एक स्टेज शो वायरल हुआ है पवन सिंह का, स्टेज शो में बोले कि अब हम नींद से उठ चुके हैं, अब जग चुके हैं, अगर लगातार गाना आएगा भोजपुरी इंडस्ट्री में हाहाकार मतलब लगातार फिल्म गाना आएगा। तो उसी को देखते हुए फिर खेसारी लाल लाइव में उसी बात को मतलब जवाब देते हैं। थोड़ा सा देख गाना पे गाना लाल बार हमेशा बात में दी कहे के आराम ढेर तने कलनी है ठीक ना आप बोल गिलवा हेलो बेटा ठीक ना नींद टूट गिलवा रहिए। अब आपको रेगुलर गाने मिलते रहेंगे। अब मैं एक्चुअली वेट कर रहा था कि आप लोग एक बार बोलिए, लेकिन आज बहुत सारे कुछ फैन मेरे जो बेचारे दुखी होके फोन किए कि नहीं भैया अब आपको रेगुलर गाना छोड़ना चाहिए, हर दो तीन दिन पे गाना। तो मैं एक बार जगा ना भाई, तो आपको तो पता ही है मैं पागलों की तरह मेहनत आज भी करता हूँ, कल भी करता हूँ, और आजीवन करता रहूँगा जब तक शरीर में जान रहेगी पगले। और एकदम पवन सिंह के पोस्टर वाले फोटो पे थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। खेसारी लाल का जो फरिश्ता फिल्म आया था उसमें रोल था भिखारी टाइप वाला खेसारी लाल को, जो कि फरिश्ता एक अच्छा खासा पारिवारिक फिल्म है, मतलब गरीबी को देखते हुए कुछ ऐसा कुछ बनाया गया है, पूरा हमको डिटेल नहीं पता। और जो पवन सिंह का फिल्म है भिखारी टाइप वाला पोस्टर, उसमें एक प्रेम कथा लव स्टोरी बताया गया है, जान कैसा ऐसा ही कुछ है, पूरा नाम हमको अभी नहीं तब पता। और जो पवन सिंह अपने पोस्टर को खेसारी लाल पोस्टर को मतलब जो विवाद चल रहा है, फिर विवाद के बीच एगो घुस चुके हैं आदरणीय जो अरविंद अकेला कल्लू जी, वो भी अपने फेसबुक पेज पे एक भिखारी टाइप का पोस्ट किए हैं कि हमारा भी कुछ फिल्म आ रहा है। आप एक चीज़ ध्यान से समझ लीजिए कि विवाद इन लोग सुपर स्टार को फ़ायदा पहुंचाता है, तो इन लोग जानबूझ के विवाद करते हैं। अब देखिए कल्लू को इसमें क्या घुसना है, कल्लू भी अपने फेसबुक पेज पे एक भिखारी टाइप का कुछ अपलोड किए हैं।